जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मैं ईश्वर भैया से नाराज हूँ। मेरा बस सिर है तो मैं जिंदगी भर उनसे बात ना करूं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरे भाई हैं और मुझे छोड़कर वो चले गए। मुझे उनसे नफरत थी, है, तो आपके लिए, इंदर और पन्ना के लिए। बस लो, तुम्हारी कल की टिकट बुक हो गई। खुश? मैं कल पापा से कह दूंगा, वो तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाएंगे। ओके? नहीं, किसी से कुछ मत कहना। मैं उन सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ईशान, प्रॉमिस करो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। प्रॉमिस। पर अब वो अच्छी सी स्माइल, प्लीज। दीदी, ईश्वर भैया इंदर के मुंह पे झूठ थोड़ी ना कहेंगे। जरूर इंदर ने उन्हें माफ कर दिया होगा ना। और बेचारा इंदर भी क्या करे, इतने सालों बाद उसके सर पे एक बाप का साया पड़ा है। बेचारा इंदर बचपन से तरस रहा है। दीदी, मैं तो कहती हूँ कि आप पुरानी सारे बातें भूलकर ईश्वर भैया को। रानू, रानू गलत नहीं कह रही है भाभी। हाँ भाभी, आज मेरे बाबूजी की आंखों में अलग तरह के आंसू देखे हैं। उन्हें आपकी चिंता खाई जा रही है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से। मैं जानती हूं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ईश्वर से सबकी नफरत इसलिए है क्योंकि उनकी नजर में मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे कारण सबने ईश्वर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। तुमने, माँ ने, बाऊजी ने, इंदर ने, पन्ना ने। अगर मैं नहीं होती, मैं कहीं चली गई होती, फर्ज को मैं मर चुकी होती, तो दीदी क्या तब भी तुम लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते? आप शायद सही कह रही हैं भाभी। मैं ईश्वर भैया से नाराज हूं। मेरा बस सिर है तो मैं जिंदगी भर उनसे बात ना करूं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरे भाई हैं और मुझे छोड़कर वो चले गए। मुझे उनसे नफरत थी, है, तो आपके लिए, इंदर और पन्ना के लिए। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सबके रिश्ते में बनी गांठ मैं ही हूं। दीदी, दीदी, स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।